Hello students, today we are going to start chapter 11, class 3, subject SST. Chapter 11 में जो topic है वो है Indian villages. Indian villages आप जानते हैं भारत का मूल प्रदेश. आप इस बात से कतई हम दूसरी बात नहीं कर सकते आपको कि भारत का मूल प्रदेश है और यहाँ असंख्य लोग जो शहरों में बहुत कम संख्या लेकिन गांव में इसकी संख्या ज्यादा होती है. क्यों? साधारण है. सबसे बड़ी बात यहाँ खेती के लायक जमीन जितनी है वो सभी गांव में. तो आज हम जब इंडियन विलेजेस की बात कहते हैं तो हम इसके विषय में जानते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल इंडिया लिविंग विलेज लार्ज नंबर ऑफ पीपल इंडिया लिविंग विलेज देयर लाइफ इज क्वाइट डिफरेंट from that of people in towns and city. First of all, villages they, the people living in villages face many problems. गांव में रहे तो तरह तरह की problems आएंगे. सबसे पहले क्या? तो this was because first people live in a touch house. और आप देखते हो शहरों के अपेक्षा गांव में रहने वाले लोग होते हैं बच्चे होते build on mother this और उसके बाद देयर वेयर नो पक्का रोड्स. कहीं कोई पक्का रोड्स आज भी स्वास्थ्य लोग ऐसे गांव काफी संख्या में है भारत में जहां आज भी कच्चे रोड ही है. ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की व्यवस्था बहुत लचर है लेकिन ये प्रॉब्लम गांव के लोगों को शहर देयर वेयर नो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन गुलाब कार्स. देयर वाज नो सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पानी की भी असुविधा है और people had to walk long distances to fetch water. Then many villages had no electricity. बिजली की भी असुविधा है. There were no hospitals. वहां से लोगों को अगर किसी प्रकार की कोई गंभीर प्रॉब्लम हो जाती है दिक्कत आ जाती है कोई बड़ी डिजीज हो जाती है तो उन्हें शहर की तरफ रुख करना पड़ता है क्योंकि गांव में कोई विलेज नहीं है. तो बच्चों मैंने आपको बताया गांव तो है भारत में लेकिन उसको कुछ दिक्कतें हैं जो हमारे सामने आती रहती हैं. तो थैंक यू हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स. मिलते हैं किसी और भी अलग विलेजेस को लेते हुए इस चैप्टर की अगली बातों के लिए. थैंक यू हैव अ नाइस डे.